सुखदेव जी महाराज रहते हैं। तो राधा रानी एक बार सुखदेव जी महाराज से कह रही है कि सुखदेव आप इस पृथ्वी पर जाओ और वहां जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करो, क्योंकि जब भागवत को मनुष्य सुनेंगे तो अपने कष्टों से निर्वृत्ति को पाएंगे, यानी कि कष्ट खत्म हो जाएंगे, भगवान के चरणों में मन लगेगा, ईश्वर के चरणों में मन लगेगा। सुखदेव जी महाराज कहते कि माता जैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति कोई भी जीव पहुंचता है, ठीक को कम करो थोड़ा, उसे नारायण की माया जकड़ लेती है और यहाँ आकर के अपने कर्तव्य को भूल जाता है। गर्भ में वादे करता है कि मैं बाहर आऊंगा, बाहर निकलूंगा, हे नारायण हे परमात्मा मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आया उसने उस वादे को भूल दिया और यहाँ आकर के तेर और मोर में फंस गया। ये तेरा है ये मेरा, इसमें फंस गए हम सब, यही तो नारायण की माया है। जिस कार्य के लिए जन्म मिला था, जिसके लिए हमने वायदा किया था, जिसके लिए संकल्प किया था, वो आकर के यहाँ पर नहीं किया। तो राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज को कहा कि आप पृथ्वी पर जाओ, मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके ऊपर किसी भी माया का कोई असर नहीं होगा। इधर राधा रानी सुखदेव जी महाराज को आशीर्वाद दे रही है और एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया, स्वामी आपकी ना कभी मृत्यु होती है और ना आपका कभी जन्म होता है, ट्यूनिंग करो, ना आपकी कभी मृत्यु है और ना आपका कभी जन्म है, और मेरी बार बार मृत्यु भी होती है और बार बार जन्म भी होता है, आपके पास में ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं? तो महादेव पार्वती को कहते हैं कि पार्वती मेरे पास जो भागवत रूपी अमृत है, जो अमर कथा है, उससे मैं हर समय क्या रहता हूं, अमर रहता हूं। कोई भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, इस ज्ञान को सुनेगा, वह अमर हो जाएगा। ये ज्ञान बड़ा गोपनीय है, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, जो कुपात्र है उनको कभी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये ज्ञान तो केवल सुपात्र के लिए ही बना हुआ है, तो स्वामी इसमें कौन सी विलंबता वाली बात है? जब आपके पास में वो अमृतमय ज्ञान है तो उस ज्ञान को आप मुझे भी प्रदान करो। ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है और इतना सूक्ष्म है कि उसको रखने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे अंदर उस प्रकार की पात्रता भी होनी चाहिए। अगर पात्रता नहीं है ना, तो यहां से सुनोगे और यहां से क्या करोगे, निकल जाएगा, आनंद नहीं आएगा। अगर पात्रता है भागवत रूपी ज्ञान को अंदर रखने की, बुद्धि में रखने की, ये ठहर जाएगा और जब ये ठहर जाएगा तो हम भगवत रसिक बन जाएंगे, परमात्मा को मानने वाले बन जाएंगे, आस्थावान बन जाएंगे। नहीं तो मंदिरों में खड़े होकर के क्या बोलेंगे, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, और जैसे ही आरती पूरी होगी तो फिर क्या बोलेंगे कि जो आपका था वह चढ़ा दिया, बाकी तो सब क्या है, मेरा है। श्रेष्ठ भाव तब आएगा जब पात्रता बनेगी। पात्रता को डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, बर्तन जिसको बर्तन कहते हैं ना, ज्ञान को रखने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को गहरा करना पड़ेगा। तो महादेव कहते हैं कि ठीक है आप थोड़ा बाहर निकल करके देख लो, कोई इस कथा को सुन ना ले, अगर कोई भी इस कथा को सुनेगा तो वह भी क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। कथा को सुन करके अमर हो जाएंगे, लेकिन कौन हो जाएंगे, कौन माताएं कौन भाई हो जाएंगे कथा को सुन के अमर, जिनके अंदर अमर होने की पात्रता है। और जिनके अंदर पात्रता नहीं है ना, वो तो मनोरंजन में ही खो जाएंगे। ये सब आपकी और हमारी पात्रता का विषय है कि आप भगवान से कितने जुड़े हुए हैं, भगवान से आपकी पहुंच कितनी है, आपके अंदर पवित्रता कितनी है,
भगवान सबके हृदय में बैठना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके भगवान हृदय में बैठना नहीं चाहते? लेकिन आज घर जाकर के देखना है कि हमने अपने हृदय में, अपनी क्यारी में क्या उगाया है। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, काम है, तो भगवान कहां से आएंगे? जब आप अपनी क्यारी को साफ करते ही नहीं, अपने हृदय को साफ करते ही नहीं, पवित्र करते ही नहीं, तो भगवान जिसका भी गेट खोलते हैं तो वहीं पर काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब बैठे हुए हैं। भगवान उसके गेट को फिर बंद कर देते हैं। भगवान को बिठाने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ को अपने हृदय से निकालना पड़ेगा, अपने हृदय में ब्रह्म रूपी पौधा रोपना पड़ेगा। और जैसे ही ब्रह्म रूपी पौधा आप रोपेंगे तो सारे संसार में प्यार ही प्यार बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, एक दूसरे को देख करके आप खुश नजर आएंगे। जब आपके संपर्क में कोई आएगा ना बैठने के लिए, वो ये कहेगा कि माता बहुत अच्छी है, ये बहन बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी बातें करती है, क्योंकि आपने अपने हृदय में ब्रह्म रूपी पौधा उगा लिया है। और दूसरे की ईर्ष्या, जलन, ये सब आपने अपने हृदय में भरा हुआ है ना, तो लोग कहेंगे उसके पास मत बैठना, वहां मत जाना, फिर कोई नहीं बैठेगा, फिर कोई नहीं जाएगा, फिर कोई आपके पास नहीं आएगा। तो अमर कौन होगा? जिसने प्राणायाम करके, यम नियम धारण करके अपने आप को देवता बना लिया है, व्रत रह करके, स्वाध्याय करके, सत्संग सुन करके, जिसका विवेक जागृत हो गया है, वो ज्ञान को सुन करके क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। विद्या ददाति विनियम, जैसे ही विद्या को धारण करोगे, ज्ञान को धारण करोगे, तो घर में शाम को स्वामी जी से लड़ाई नहीं होगी, छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे नहीं, आप लोग गुस्सा नहीं करेंगे। जैसे ही ज्ञान आपके अंदर आएगा ना, तो विनम्रता आ जाएगी, अपने स्वामी के प्रति विनम्रता आ जाएगी। कई बहनों को, कई भाइयों को क्या है, छोटी छोटी बातों पे लड़ना है, क्लेश मचाना है घर में, स्वामी जी का भी मूड ऑफ है और स्वामी का मूड भी ऑफ है, कई कई दिन तक बात ही नहीं करते, कई कई दिन निकाल देते हैं, बात ही नहीं करते, बोलते नहीं है, सोचते रहते हैं कब बोले कब बोले कब बोले, स्वामी जी काम पे गए, वो भी टेंशन लगी रहती है। जो माताएं अपने स्वभाव को ठीक नहीं रखती ना, वहां पे लक्ष्मी कभी नहीं आती, धन की बरकत खत्म हो जाती है। जो बहने नहा धोकर के प्रतिदिन श्रृंगार नहीं करती ना, तो वहां की लक्ष्मी भी खत्म हो जाती है। इसीलिए प्रतिदिन स्नान करके अपने आप को सजाइए, संवारिए, जो भी आपके पास में खुशबू, इत्र, पाउडर इत्यादि है ना, उसको लगाइए, लक्ष्मी का पदार्पण आपके घर में स्वतः ही हो जाएगा। और स्वभाव को जितना पवित्र रखोगे, आपके स्वामी जितने खुश रहेंगे, आपके घर में लक्ष्मी छम छम करके बरसेगी। लक्ष्मी कहाँ बैठी हुई है? नारायण के चरणों में बैठी हुई है। लक्ष्मी अपने स्वामी के क्या करती है? पैर दबाती रहती है। जो भी बहनें, माताएं अपने स्वामी के पैर दबाती है ना, तो समझो कि वहां पर धन की कमी नहीं आती, धन तो नारायण के पास है ना, लेकिन लक्ष्मी पैर दबा दबा करके क्या करती है? नारायण से सारा धन ले लेती है, और वो लक्ष्मीवान हो जाती है, स्वामिनी हो जाती है। उसके स्वभाव को देखिए, कितना मृदुल स्वभाव है उसका, कितने प्रिय है वो। और हम बात बात में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, पिलसते रहते हैं, स्वभाव को ठीक नहीं करते। तो महादेव उमा को क्या कहते हैं कि उमा, इस कथा को कोई और ना सुन ले, देख लो बाहर निकल करके देख लो। दूर तक देखा उमा ने, उन्हें क्या दिखाई दिया? बर्फ ही बर्फ दिखाई दिया। महादेव व्यास मंच पर बैठ गए हैं, पार्वती उनके सम्मुख है। महादेव ने एक वायदा किया है उनसे, क्या वायदा है? कि जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आपने अपने मुख से ओम का उच्चारण करना है। मैं आंखें बंद करके कथा सुनाऊंगा और आप जब ओम बोलती रहोगी तो मुझे लगेगा कि आप कथा को सुन रही हैं। महादेव व्यास मंच पर बैठ गए हैं और उमा उनके सम्मुख है। उमा किस लिए कथा सुन रही है? बताओ किस लिए कथा सुन रही है?
बार बार जो जन्म हो रहा है ना उसकी रस्सी को काटने के लिए, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जैसे आपका और हमारा जन्म हो रहा ना, बार बार जन्म रहे, बार बार मर रहे, पुनर देवता होना चाहिए, एक प्रधान इष्ट होना चाहिए हमारे जीवन में। श्रीमद् भागवत में अगला प्रश्न किया कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ना, सब भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। देखिए बात ना करें आप बिल्कुल भी, परमात्मा के अंश हैं हम, और जब हम समाज सेवा करते हैं, राष्ट्र सेवा करते हैं, धर्म सेवा करते हैं, तो कई बार व्यक्तियों के मुख से हमें उपाधियां मिलती हैं। कई लोग कहते हैं कि तो हनुमान जी के अवतार हैं, कई लोग कहते हैं हमारे राम जी हैं, ये हमारी देवियां हैं, माताएं हैं। पद कब मिले? जब हमने समाज सेवा को किया है। तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान आप और हम में ही क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और किस लिए प्रकट होते हैं? भगवान का कार्य क्या है? किस लिए आते हैं भगवान? धर्मिन दूसर सत समाना, धर्मिन दूसर सत समाना, आदम निगम पुराण बताना, आदम निगम पुराण बताना, धर्मिन दूसर सत समाना, धर्मिन दूसर सत समाना, आदम निगम पुराण बताना, भगवान जो आए हैं वो धर्म के लिए आए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीनो मनुज अवतार, किसके लिए? विप्र ब्राह्मण के लिए, गौ माता के लिए, समाज सेवी व्यक्तियों के लिए, संत महात्माओं के लिए भगवान क्या हुए? प्रकट हुए, इनकी रक्षा के लिए प्रकट हुए। भगवान धर्म का कार्य करने के लिए आए। और कितने अवतार हुए भगवान के? 24 अवतारों की कथाएं श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप सभी श्रवण करें। 24 अवतार। वैसे तो भगवान के हर समय अवतार हो रहे हैं, लेकिन उनको क्या कहेंगे? अंशा अवतार कहेंगे, अंश। किसी मुश्किल में आप और हम हैं तो हमारी रक्षा के लिए जो आ रहा है, किसी भी रूप में आ रहा है, तो कौन है वो? वो हमारे लिए भगवान है। हम जंगल में चले गए, नदियों में चले गए, किसी दिक्कत में है, परेशानी में है, तो किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। भगवान किसी न किसी रूप में आकर के हमारी रक्षा करते हैं, और जो हमारी रक्षा करते हैं ना, उन्हें ही हम क्या करते हैं? भगवान कहते हैं कि भाई आप तो मेरे लिए भगवान हैं। तो हर समय कोई न कोई मनुष्य दिक्कत में है, परेशानी में है। कितने मनुष्य हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर समय कई व्यक्ति भगवान को हर समय याद कर रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि जब जीवन में सुख की घड़ी होती है, जो उस समय मुझे याद करता है, तो मैं दुख में भी उसको बचाने के लिए उपस्थित हो जाता हूं, और जो सुख में याद नहीं करता तो मैं दुख में भी बचाने उसे नहीं आता। जीवन में दो चीजें हैं, सुख और दुख, इनको अच्छे से समझना है। एक तो सांसारिक सुख और दुख है, घर में पैसा आ गया, घर बन गया, हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो उससे मैं भगवान को भूल गए। और जब हमारे पास कुछ है नहीं या कोई कष्ट हो गया हमें, तब भगवान को याद करने लगे। ये सांसारिक सुख और दुख है। लेकिन सबसे बड़ा सुख और दुख क्या है जीवन में? जीवन में ये मनुष्यता अगर मिला है ना, तो ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है।
इस सुख में जो भगवान को याद नहीं करते तो लख 84 योनियां क्या है, दुख के द्वार है। पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कोई भगवान को याद थोड़े ना करते हैं। देखो आपको कितना सुंदर जन्म मिला है कि आप कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन अन्य कोई पशु पक्षी कार्य कर सकता है क्या? आपने घर में कुत्ते बिल्ली इत्यादि पता नहीं क्या क्या पाला होगा, क्या वो कथा सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। देखने में हमारे से सुंदर हैं, अच्छे हैं, उनके बाल नखून बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन वो ये कार्य नहीं कर सकते जो हम कर। तो जीवन में सुख क्या है, ये मनुष्य तन है जो हमें मिला हुआ है, और दुख क्या है, ये पशु पक्षी का है दुख, और क्या दुख है। तो जो इस सुख में भगवान को याद नहीं करते तो दुख में भी भगवान बचाने नहीं आते। बोली भागवत भगवान की, तो बसंत पंचमी की बेला है, माता सरस्वती का पूजन हो रहा है, और होलिका के लिए ध्वजा लगाई जा रही है। आप सबने लगाई आप ध्वजा होली की? नहीं लगाई। संस्कार प्रतिदिन हम भूलते जा रहे हैं। आज से 1.25 महीने तक होली गायन शुरू हो जाता है। उत्साह, एक उमंग, एक अपने त्योहार के प्रति हम लोग क्या है, एक्टिव है, उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर। उत्साह संस्कारों से बनता है। अगर हम होली की ध्वजा लगाते तो उत्साह बनता, हमारे संस्कार खत्म हो रहे, दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं। तो कथा मंडप पे आज माता सरस्वती के लिए एक सुंदर भजन बोला जाएगा, क्योंकि जो माता हमें ज्ञान दे रही है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, जो ज्ञान का भंडार है वो किसके पास में है, माता सरस्वती के पास में। विद्या का भंडार, ज्ञान का भंडार, और धन का भंडार भी किसके हाथ में है, माता के हाथ में। लक्ष्मी माता के हाथ में क्या है, धन है। ज्ञान का भंडार सरस्वती के पास में है, और जिसे शक्ति चाहिए वो शक्ति भी किसके पास में है, माता के पास में। तो तीनों डिपार्टमेंट माता के पास में, शक्ति भी चाहिए, धन भी चाहिए, और बुद्धि भी चाहिए। तो आइए, सबसे पहले हमें तीनों चीज चाहिए, माता जी के चरणों में ये भेंट पड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे अंतरात्मा से कि हे माता रानी, इन तीनों चीजों से, शक्ति से, क्योंकि कोई भी कार्य करोगे ना तो शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। अगर शक्ति नहीं होगी आप किसी कार्य के लिए खड़े हो ही नहीं सकते, चाहे कितना भी पैसा हो जाए आपके पास, चाहे कितना भी आपके अंदर दिमाग हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, अगर शक्ति नहीं है ना आप खड़े नहीं हो सकते। और जब शक्ति होगी तो धन अपने आप आ जाएगा, और जब धन आ जाएगा तो एक पैसा एक अकल है और 10 पैसे 10 अकल है। तो जब धन आएगा ना तो स्वतः ही दिमाग के, माइंड के कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे। तो सब चाहते हैं ना कि तीनों चीज मिल जाए। तो आइए माता रानी के चरणों में ये पावन अवसर मांगे। बोलिए भगवती माता की। ओडी चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवना में, मैं नाचू तेरे भवना में, मैया जी तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे भवना में, मैया जी तेरे अंगना में। ओडी चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवना में, जय हो चुनरिया लाल में। और देखिए इतने मध्यम स्वर से गाएंगे या इतना उत्साह नहीं होगा तो ना शक्ति मिलेगी ना कुछ मिलेगा, टाइम भी बीत जाएगा। वो जो होना चाहिए, एक अपने अंदर पावर होनी चाहिए। तो दोनों हाथ उठा करके, और जो खड़े नहीं हो सकते तो बैठे बैठे, ओड़ी चुनरिया ला मैं नाचू तेरे भवना में, जय हो चुनरिया ला
बिना जू तेरे बाबे नामे भैया जू तेरे अंगे नामे भैया जू तेरे अंगे नामे तेरे बाबे नामे जोर से गाइए दोनों हाथ उठा करके माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगा के बिंदिया लाल मैं नचो तेरे भवे नामे जय हो मैं नचो तेरे भवे नामे भैया जी तेरे आगे नामे जय हो तेरे नामे नचो तेरे भवे नामे जय हो चौपाई जब पढ़ूंगा ना तो सबके जीवन में मंगल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मंगल सबके जीवन में हो, जितने आस पास पड़ोस में सोए पड़े हैं ना उन सबके जीवन में मंगल हो जाएगा। तो इसीलिए आज का समय और है आपके पास, आज जाकर के नारायण का कार्य करना है आपसे।
श्रीमद ऐसे तो पागल श्रीमद भागवत को स्वयं महादेव उमा को सुना रही हूं और कहां सुना रही है कैलाश पर्वत पर। इसी कथा को देवऋषि नारद सुन रहे हैं सनकादिक ऋषियों के मुख से। कहां सुन रहे हैं जोर से बोलो आप। कल तो सुना था ना कहां पे हरिद्वार में और नेमी सारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज किसको सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। अब तीन जगह कथाएं चल रही हैं कैलाश पे चल रही हैं हरिद्वार में चल रही हैं और नेमी सारण्य तीर्थ में चल रही हैं। नेमी सारण्य तीर्थ में जो ऋषि बैठे हुए हैं वह अपने गुरु से इच्छा जागृत कर रहे हैं। अभी भी कुछ बातें चल रही हैं अभी हिलना डुलना चल रहा है। नेमी सारण्य तीर्थ में सोनक आदि ऋषि अपने गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी हमारे मन में ना कुछ जानने की इच्छा है आप सब हमारे मन में कुछ प्रश्न है हम उनके उत्तर चाहते हैं। और क्या क्या प्रश्न किए उन्होंने अपने गुरुजी से सबने ध्यान से सुनना है इन प्रश्न को। श्रीमद् भागवत में पहला प्रश्न किया कि मानव का परम धर्म क्या है। क्या मंदिर में आना धर्म है दान देना धर्म है परिक्रमा लगाना धर्म है आखिर मनुष्य का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया भागवत में जब हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारी मूर्तियां लगी होती हैं। जब उन मूर्तियों को हम ध्यान से देखते हैं उनका पूजन करते हैं तो मन में संशय बना रहता है कि अन्य देवता कोई हमसे नाराज तो नहीं होगे किसको माने और किसको ना माने। अगला प्रश्न किया है कि जब परमात्मा जन्म नहीं लेता तो वह राम कैसे बन गया वह कृष्ण कैसे बन गया। उससे अगला प्रश्न किया है कि भगवान करने क्या आते हैं भगवान का भी तो कुछ कार्य होगा ना। जैसे आपने और हमने सबने अलग अलग कार्य पकड़ लिए हैं और उन कार्यों से हमारी पहचान भी हो रही है। अब जो हलवाई का काम करते हैं उन्हें हलवाई कहने लगे जो गाने बजाने का काम करते हैं उन्हें संगीतज्ञ कहने लगे हम लोग कथा करते हैं हमें कथावाचक कहने लगे। कार्य से पहचान हो रही ना तो भगवान का भी तो कुछ कार्य होगा ना भगवान क्या करते हैं। अगला प्रश्न किया है कि भगवान के कितने अवतार हैं। इस प्रकार के प्रश्न सोनक आदि ऋषियों ने नेमी सारण्य तीर्थ में किए। बड़े ही सुंदर प्रश्न है। इन प्रश्नों के माध्यम से भागवत को हम सुनेंगे अच्छे से सुनेंगे। बोले भागवत भगवान की। सूजी महाराज के लिए प्यारे ऋषियों आपने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करूंगा। हम जितने भी मनुष्य हैं ना हम तो बहुत दूर की बात है देवताओं के भी गुरु हैं। देवताओं के गुरु कौन है वनस्पति याद रखेंगे आप सभी। देवताओं के गुरु किसको होता है मैंने और हमारे गुरु कौन है हमारे भिन्न भिन्न के गुरु है अलग अलग गुरु बना लिए ना हमने कईयों ने नहीं बनाए। कुछ माताएं ऐसे हैं जिन्होंने अभी गुरु नहीं बनाए। तो सूत जी महाराज के गुरु कौन है व्यास जी महाराज। तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले जब भी आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं कुछ ज्ञान देना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में अपने गुरु को याद करना पड़ेगा। उसको करने से आपके मुख से निकलने वाला जो वाक्य है आपके मुख से निकलने वाला जो विचार है वो क्या होगा शुद्ध होगा पवित्र होगा उसका प्रभाव समाज के ऊपर जाएगा।
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब भी भागवत में किसी को प्रणाम करने का अवसर आता है, चाहे नारायण को चाहे महादेव को गुरु को, तो उस समय आप भी हाथ जोड़ लिया करो। उस समय आप अपने अंतःकरण में भगवान को देख लिया करो। भगवान के दूर थोड़े ना है, भगवान कहाँ बैठे हुए हैं? आपके हृदय में बैठे। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप मंदिर बहुत कम आते हैं, मैंने इस मंदिर में 2 दिन में किसी को नहीं देखा। जब आप मंदिर में नहीं आएंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो मंदिर की शक्ति क्या होगी? विलुप्त हो जाएगी, सो जाएगी, धर्म सो जाएगा। जब आप मंदिर में आएंगे, पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तभी तो शक्ति बराबर बनी रहेगी ना। तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और एक एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। ध्यान से सुनना है, मनन करना है, अपने अंतःकरण में उतार लेना है। पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि मानव का परम धर्म क्या है। बहुत ज्यादा दान या बड़ी परिक्रमाएं, तीर्थाटन करना, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? आप कोई भी कार्य करें उसमें निष्कामता होनी चाहिए। उसको बार बार नहीं गाना चाहिए। कई माताओं में कई भाइयों में इस प्रकार की आदत होती है, वो कुछ दान करते हैं तो उस पर पहले ही रिक्वायरमेंट रख लेते हैं, इच्छा व्यक्त कर लेते हैं। देवियों के पास में जाते हैं, धागे बांधते हैं, चुनरिया बांधते हैं, हमारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम जागरण कराएंगे, हम आपका प्रसाद चढ़ाएंगे। इच्छा पूरी नहीं हुई तो कहाँ का प्रसाद और किसका जागरण। तो इस भावना से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। ये भावना है सकाम। और निष्काम भावना कौन सी है? जब मन किया दर्शन करने के लिए चले गए, तुमको मांगते हैं तुमसे। जो भक्त हैं वो भगवान से क्या चाहते हैं? उनकी पुकार क्या बनी रहती है? उनकी पुकार तो यही बनी रहती है कि प्रभु या तो आप हमारे पास आ जाओ, अन्यथा आप हमें अपने पास रख लो। ये पुकार होती है, वो बुलाते रहते हैं भगवान को कंटिन्यू, लगातार अविरलता में भगवान को याद करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। तो उनके जीवन में सकाम नहीं होता, उनके जीवन में क्या होता है? निष्काम, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जब कभी मंदिर जाओ, दूसरे प्रश्न में बढ़ गए हम लोग, तो बहुत सारे देवता अगर आपको दिखाई देते हैं, मूर्तियां दिखाई देती हैं, तो आप अपने जीवन में एक देवता को चुन लो, किसी को भी मानो आप लोग, जिसमें आपकी पूरी आस्था हो। राम को मानो, कृष्णा जी को मानो, देवी को मानो, हनुमान जी को मानो, शिव को मानो, किसी को भी मानो, और एक को मान करके सबके पास प्रणाम करने चले जाओ। समय है तो पूजन कर लो, लेकिन निंदा चुगली कभी मत करो। अगर निंदा चुगली करेंगे ना, तो कभी जीवन में कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। एक को मानो और जितने अन्य हैं ना, सब में उस एक का ही दर्शन कर लो। जब ये स्थिति बन जाएगी, तो ये स्थिति किसकी है? एक ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो अपने इष्ट का दर्शन सारे देव देवताओं में करता है, वह अपने इष्ट का दर्शन सारे मनुष्यों में करता है, सारे जहां में करता है। जैसे माता पार्वती ने किया, सिया राम में सब जग जानी सी। सावली बोली, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करे उपनाम जोड़ी जुग पानी, करे उपनाम जोड़ी जुग पानी। आप सब भी गाइए, मंगल भवन हर